आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे मारूफ अदाकारा ऐमन खान दुबई में खराब मौसम की वजह से फंस गई ईद के वकेशन इंजॉय करने और मुनी की सालगिरह मनाने दुबई जाना ऐमन खान को महंगा पड़ गया इनके मुकम्मल तफसात जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आसानी आप तक तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अदाकारा ऐमान खान दूसरी बेटी के एक माह के होने के बाद ही कभी दुबई तो कभी तुर्की घूमने जाती रहती हैं रिसेंटली ईद को पाकिस्तान में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गुजारने के बाद ऐमन खान ने मुनीब को सालगिरह का बड़ा सरप्राइज दिया और मुनीब बट और अपनी बेटियों को लेकर दुबई चली गई दुबई में जाकर ऐमन खान ने मुनीब बट की आलीशान सालगिरह मनाकर सबको शॉक शौक कर दिया इनकी तमाम तस्वीर देखकर ना सिर्फ फैंस बल्कि तमाम अदाकारा काफ़ी शौक रह गए कि ऐमन ने किस तरह मुनीब को दुबई जाकर सालगिरह का बड़ा सरप्राइज़ दिया है अदाकारा ऐमन खान बाकी एक्ट्रेसेस की तरह जो बच्चों के पैदा होने के बाद बहुत कम घूमने जाती हैं वैसा नहीं करती बल्कि अपनी दोनों बेटियों के पैदा होने के बाद तो ऐमन खान अब ज़्यादा घूमने जाती हैं और अपनी दोनों बेटियों के साथ काफ़ी इंजॉय करती हैं रिसेंटली अदा ऐमर खान मुनीफ की साजिदा के लिए दुबई गई और वहाँ खूब इंजॉय किया जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली दो दिनों से दुबई में सैलाब की वजह से काफ़ी ख़राब हालात हैं जिसकी वजह से दुबई ने सारी एयरलाइंस बंद कर दी हैं और बहुत सी अदाकार भी दुबई में फंस कर रह गई हैं और पूरे दुबई को भी बंद कर दिया गया है कोई अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकता इसीलिए ऐमन ख़ान जिन्होंने मुनीब भट्ट की सालगिरह के बाद पाकिस्तान वापस आना था सारी एयरलाइंस बंद होने की वजह से दोनों को मजीद दुबई में रुकना पड़ रहा है और हर कोई दुबई के हालात ठीक होने की दुआएं कर रहा है आपको सब जानकर कैसा लगा हमें कौन सी कीमती राय का ज़रूर दीजिएगा आपके कामेंट का इंतज़ार रहेगा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं किसी ने वीडियो के साथ तब तक के लिए खुदाफिज